अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ बिल्कुल फ्री। हाय दिया, अनीता जी, कुछ खुशखबरी है का? अरे नहीं नहीं अंगूरी जी, बस कुछ याद आ गया। क्या याद आ गया? विभू और तिवारी जी जिस तरह से वो गट्टे की सब्जी निगल रहे थे। अंगूरी जी क्या हो गया, आ रही हो कि? अनीता जी वो तो हमको याद ही नहीं दिलाई है, बहुत मुश्किल से वो मुरमुरे हटाए हम अपने दिमाग से। आप मेमोरी कहना चाह रही हैं? ऐसे ही पकड़े हैं। कहा पता है, हम हाथ जोड़ते वो बात तो हमको याद ही नहीं दिलाइए, वो सोच के भी हमको घिन आ जाता है। जानवर भी वैसे नहीं खाते होंगे जैसे लड्डू के भैया और भरभूती जी खाए रहे हैं। नहीं नहीं अंगूरी जी, उसको खाना नहीं कहते हैं, वो जिस तरह से खा रहे थे ना, उसको भसकना कहते हैं। सच्ची? हमारे टॉमी ली जोनस भी ना बहुत तमीज से खाना खाते हैं। टॉमी ली जोनस, ये कौन है? आप उनको नहीं जानती? हमारे गली के कुत्ते, हम उनको रोज खाना डालते हैं, वो बहुत अच्छे हैं। वो ना वो जब भी खाना खाते हैं एक निबाला भी प्लेट के बाहर भी नहीं आने देते हैं, बहुत तमीज से खाना खाते हैं वो लोग। ये बात तो आपने एकदम सही कही अंगूरी जी, आजकल इंसान तमीज भूल गए हैं और कुत्ते तमीज वाले हो गए हैं। दोनों भाभी माओं को मेरा सादर प्रणाम। खुश रहिए सक्सेना जी। दूध नाओ पुतो फलो। भाई माँ, ये वाला आशीर्वाद देने का समय भी आएगा, लेकिन फिलहाल आप मुझे वो आशीर्वाद दीजिए जिसके लायक मैं हूँ। आपको मैंने एक बार बताया था ना पहले, याद है? हाय दिया, हाँ हाँ हमको याद आया। अब बिजली की तारों पे लटक जाओ, फूक जाओ। आई लाइक इट। अरे सक्सेना जी, आपके साथ ये कौन है? भाई माँ, ये मेरा फ्रेंड है। हम दोनों एक ही मेंटल हॉस्पिटल में पले बढ़े हैं। हाय दिया, और आपके हाथ में ये ग्रास कटर क्यों है? भाई माँ, मेरे दिमाग में एक थॉट है। क्या थॉट है? मैं एक खेत हूँ। अजय खेत? अनाई, लेकिन आप तो इंसान हैं। नहीं नहीं भाई माँ, वो एक सोच है, मैं अपने थॉट में एक खेत हूँ। मैं खुद को खेत समझना चाहता हूँ भाई माँ, मैं खेत की भावनाओं से परिचित होना चाहता हूँ। जिस तरह से खेत में जुताई होती है, उसके बाद सिंचाई होती है, उसके बाद उसमें बीज डाले जाते हैं, और उसके बाद उगते हैं आलू, बैंगन, गेहूं, चावल। मैं चाहता हूं मैं भी उगाऊं। आइडिया। और जहां तक इस ग्रास कटर की बात है भाई माँ, तो ये ग्रास कटर मैं घास काटने के लिए ले जा रहा हूं, क्योंकि मेरे दोस्त की कब्र पर बहुत सारी घास उग आई है। अच्छा जी भाई माँ। और सक्सेना जी, सच्ची आप ना, आप यू आर सच अ मेंटल मैन। मेंटल मैन तो मैं हूँ, I like it. पर अंगूरी जी, आप शायद जेंटलमैन कहना चाह रही थी। ऐसे ही पकड़े हैं। जलनों के सौमित्र की कब्र पे जो घास फूस है उसे साफ कराते हैं। हाँ, उसकी कब्र पे जो घास फूस है उसे साफ करना बहुत जरूरी है। भाई माओ, हम लोग निकलते हैं, बाद में मिलते हैं आपसे। सी यू। हाँ प्रणाम। अरे दादा, ये मनोहर। यस सर। जब से हमने ये गट्टे की सब्जी खाई है, हमारे भट्टे खुल गए। लेकिन सर, मैं ये पूछता हूँ कि आप उस टीका और टिल्लू पर केस क्यों नहीं दायर करते? चिल्ला नहीं। यस सर। धीमे धीमे बोल। असल में मुन लोडन से हम ने कही थी ना कि गट्टे की सब्जी न्योछावर में दही हो, तो उनने जो न्योछावर दही वही गट्टे की सब्जी हमने न्योछावर समझ के खाई। अब हमें क्या पता तू कितनो राय तू फैलेगो, अब उन लोडन पे हम कैसे कार्रवाई करें? तो सर अब इसका उपाय क्या है सर? उपाय एक सही है मनोहर, अगर हमें अपने अलावा को एक पार्टी ऐसी मिल जाए जिन्हें उन धीगे लट्ठन की गट्टे की सब्जी पेली, फिर हम उन दोंगन को ऐसो पेलेंगे सारन के बिल्कुल रमतूला बना देंगे मार मार के। अरे दादा। सर मुझे ऐसे लगता है कि अब वो सारे लोग बाथरूम के चक्कर काट रहे होंगे। मरोड़े उठ रहे। आपने बिल्कुल सही कहा मनोहर साहब।
सुबह से न जाने कितनी बार बाथरूम का चक्कर लगा चुके होंगे, कम से कम 10 बार तो हो गए होंगे। और मैंने तो कम से कम 7.5 चक्कर लगा लिए। मेरे तो 4 चक्कर में ही बुरे हाल हो गए। एक सेकंड डॉक्टर साहब, एक बात समझ में ना आई, तुमने इतने कम चक्कर काई लगाई का, तुमने गट्टी कम खाई? नहीं अप्पू सिंह जी, कम तो नहीं खाए, क्या है मैं डॉक्टर हूँ ना तो डोज ले रहा हूँ। वो सब तो ठीक है, हमें जो बताओ थे काई आई। अरे अप्पू सिंह जी, हम लोग टीका और टिल्लू के खिलाफ रिपोर्ट लिखवाने आए, उन कमीनों की घट्टे की सब्जी ने हमारे पेट में भोकाल मचा रखा है। आप उन दोनों को कड़ी से कड़ी सजा। ज्यादा कड़ू ना करो, नहीं पतलू हो जाएगा मामला। अप्पू सिंह जी, अगर देखा जाए तो उन लौंडों ने सीधा सीधा हमें जहर दिया है, आपको तुरंत कार्रवाई करनी होगी। बस मिल गया रीजन। यस सर। डॉक्टर साहब, तुम चिंता ना करो, बस फटाफट रिपोर्ट लिखवाओ, उन धीगे लट्ठन को हम बुहाल करेंगे, थाने बुला के सारन के सारे गट्टे खोल देंगे। रिपोर्ट लिखवाओ। लिखो लिखो, आप लिखो अप्पू सिंह जी। रिपोर्ट है? अरे दादा जी घुस गए, आटो आटो बनवर का। अरे डॉक्टर, अरे दादा। तिवारी जी, इतनी देर से कोई जगह ही नहीं मिल रही है यार। हम भी तो वही ढूंढ रहे हैं भगवती जी। इतनी देर से भटक रहे हैं, साले कल्लू क्या गए? तो उस कल्लू ने धक्के मार के निकाल दिया कमबख्त में। 500 रुपए तो हमारे गए ना हमारी जेब से। आपको 500 की पड़ी है तिवारी जी? यहाँ 500 बम फूट रहे पेट में, उसका क्या? और इसके जिम्मेदार आप हैं। अरे आप, हम काहे जिम्मेदार हो गए भाई? क्या फालतू की बकवास कर रहे हैं आप? पार्टी किसने रखी थी? आपने रखी थी ना? तो आपको किसने बुलाया था? आपको किसने निमंत्रण दिया था कि आइए पार्टी में? आप बिन बुलाए मेहमान की तरह घुस गए हमारे घर में। चलिए हम घुस गए तो कौन सा बुरा किया? आप ही तो हमारे घर में घुसाते हैं वक्त बेवक्त मुंह उठाए। हम भाभी जी के निमंत्रण दिए बिना कभी आपके घर में नहीं घुसते, समझे? बड़े भारी नेता हैं, गवर्नर हैं, कौन अभिनेता हैं, क्या हैं आप जब आपको निमंत्रण भेजेंगे? भापति जी, फालतू की बकवास बंद कीजिए और हल्का होने के लिए कोई जगह तलाशिए। क्यों, आप लाट साहब हैं क्या? अरे भाई, हम भी तो ढूंढ रहे हैं। दिख गई। कौन दिख गई? आपका वन ट्रैक माइंड है, मैं बात कर रहा हूँ जगह दिख गई, वो देखे खेत। अरे हाँ खेत, ये सही रहेगा। चलिए, लेकिन अगर यहाँ किसी ने देख लिया तो? अरे तिवारी जी, इतनी दोपहर में कौन आएगा यहाँ पे? सूरज सर पे चढ़ा हुआ है और लोग दोपहर की मीठी नींद ले रहे हैं, यही मौका है, इस मौके का फायदा उठाते हैं और यही हल्के हो जाते हैं। सही है, ठीक है ना? चलिए चलिए, आइए जल्दी आइए, उतरिए। अरे भगवती जी, लगता है हमें को देख रहा है। अरे तिवारी जी, वो स्केयर क्रो है। है वो क्या? अरे कहाँ डरा हुआ है, बैठिए, जिस काम के लिए आया दुनिया भर की पंचायत कर रहे हैं, ये नहीं, बैठिए। अरे पलामा पर भागो, अब आ गए, भागो, भागे। अरे गुरबक साला, हमरा खेत गीला करेगा, ऐसा जगह गोली मारेंगे ना दोबारा यहाँ दिखा तो, कि कभी हल्का नहीं हो पाएगा। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।